स्वागत है दोस्तों आप सभी लोग का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल सीखे में। तो दोस्तों आज मैं आपको बताने वाला हूँ यहाँ पर RedmiBook Pro 15 के बारे में, ठीक है। इसके पिछले वाले वीडियो में मैंने बता चुका हूँ RedmiBook Pro 14 के बारे में। तो ये दोनों लैपटॉप ऑलमोस्ट सिमिलर है, बट यहाँ पर प्राइस में यहाँ पर काफ़ी डिफरेंस है, ठीक है। तो इस वीडियो में आगे बने रहिए, मैं आपको सारे डिटेल बताने वाला हूँ इसी लैपटॉप के बारे में। तो चलिए आज के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर बात करते हैं सबसे पहले डिस्प्ले से। तो डिस्प्ले आपको देखने को मिल जाता है 15.6 इंचेस का एक 3.2K डिस्प्ले, ठीक है। तो ये 2K डिस्प्ले से थोड़ा ज़्यादा है और 4K डिस्प्ले से थोड़ा कम है, ठीक है। तो ये इन दोनों के बीच में लाई करता है ये 3.2K का डिस्प्ले। ये ओवरऑल एक न्यू रिजोल्यूशन है हम लोग के लिए, ठीक है। स्क्रीन टू बॉडी रेशो की बात किया जाए तो यहाँ पर 89 point something है, ठीक है। तो ओवरऑल हल्का सा यहाँ पर एवरेज है, ठीक है। एक चीज़ आपको काफ़ी अच्छा इसमें देखने को मिल जाता है, आपको 90 Hz का यहाँ पर रिफ्रेश रेट देखने को मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है। और अभी तक बहुत ही कम ही ऐसे लैपटॉप है जिसमें आपको ये सारे ये फीचर में देखने को मिल जाते हैं। बाकी आपको गेमिंग लैपटॉप में तो मिलते ही हैं, बट ये एक एडिटिंग लैपटॉप है, साथ में आप गेमिंग भी कर ही सकते हैं क्योंकि इसमें आपको काफ़ी अच्छे यहाँ पर प्रोसेसर और ग्राफिक्स कार्ड भी मिल जाते हैं, ठीक है। प्रोसेसर की बात किया जाए तो आपको i5 से ये स्टार्ट होता है और i7 का हायर वेरियंट हायर आपको देखने को मिल जाता है। i7 का बात किया जाए तो स्पेसिफिकली तो यहाँ पर 11370H, ठीक है, ये आपको मिल जाता है मॉडल का प्रोसेसर i7 में, ठीक है। बात करते हैं यहाँ पर रैम के बारे में, ठीक है। तो आपको लो वेरिएंट में आपको 8GB का रैम मिलता है और हायर वेरिएंट में आपको 16GB का रैम मिलता है। ये डिपेंड करता है कि आप कितने आप कौन सा वेरिएंट ले रहे हैं यहाँ पर। और इसी तरह दोस्तों आपको ग्राफिक्स कार्ड में भी यहाँ पर दिया जाता है, लो वेरिएंट में आपको कोई सभी ग्राफिक्स कार्ड नहीं दिया जाता, आपको इंटेल का एक्सी ग्राफिक्स दिया जाता है। बाकी आप हायर वेरिएंट लेते हैं या फिर स्पेसिफिकली वो वेरिएंट लेते हैं जिसमें आपको ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल जाता है, तो यहाँ टोटल ऐसे 4 वेरिएंट हैं, ठीक है। और इसमें आपको ग्राफिक्स कार्ड देखने को मिल जाता है एनवीडिया गेट फोर्स से MX450 ग्राफिक्स देखने को मिल जाता है, ठीक है। स्टोरेज की यहाँ बात किया जाए तो आपको स्टैंडर्ड सा 512GB का यहाँ पर SSD प्रोवाइड किया जाता है। कीबोर्ड की यहाँ बात किया जाए तो आपको फुल साइज कीबोर्ड देखने को मिल जाता है विथ बैकलाइट, ठीक है। साथ में आपको वेबकैम मिल जाता है जिसमें आपको HD वेबकैम मिल जाता है, ठीक है। साथ में डुअल माइक्रोफोन का इसमें सपोर्ट देखने को मिल जाता है और आपको जो फिंगरप्रिंट भी इसमें मिलता है वो पावर बटन में यहाँ पर इंटीग्रेटेड किया गया है, जो कि काफ़ी अच्छी बात है। मीन्स पावर बटन में ही आपको फिंगरप्रिंट स्कैनर दिया गया है। कनेक्टिविटी की यहाँ बात किया जाए तो आपको वाईफाई 6 और ब्लूटूथ वर्जन 5.1 दिया गया है, जो कि लेटेस्ट है। पोर्ट्स की यहाँ पर बात किया जाए तो आपको थंडरबोल्ट 4 का यहाँ पर पोर्ट मिल जाता है, जो कि काफ़ी बढ़िया बात है और ये सबसे लेटेस्ट अभी यही चल रहा है थंडरबोल्ट 4 का पोर्ट। साथ में USB Type-C का पोर्ट देखने को मिल जाता है और बाकी सारे स्टैंडर्ड पोर्ट आपको देखने को मिल जाते हैं, जैसे कि USB 2.0, USB 3.2 जनरेशन 1 और साथ में 3.5 mm जैक देखने को मिल जाता है और इसमें आपको HDMI पोर्ट भी देखने को मिल जाता है। स्पीकर्स की यहाँ बात किया जाए तो आपको स्टीरियो स्पीकर्स इसमें प्रोवाइड किए गए हैं विद DTS ऑडियो के साथ, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ ऑडियो एक्सपीरियंस आपका बढ़ा देंगे, ठीक है। बैटरी की बात किया जाए तो दोस्तों काफ़ी बढ़िया आपको यहाँ पर बैटरी दिया गया है, आपको 70 Wh का यहाँ बैटरी दिया गया है, जो कि 12 आवर तक का मीन्स 12 आवर का यहाँ पर आपको बैकअप प्रोवाइड करता है। और फास्ट चार्जिंग जो दिया गया है दोस्तों वो काफ़ी बढ़िया है, आपको 100 W का यहाँ पर फास्ट चार्जर प्रोवाइड किया गया है, जिसको आप Type-C के जरिए यहाँ पर अपने लैपटॉप को चार्ज करेंगे तो आपका लैपटॉप बहुत ही जल्दी यहाँ पर चार्ज हो जाएगा। वेट के बारे में बात किया जाए दोस्तों, इतनी बड़ी बैटरी होने के बाद भी इसका वेट दोस्तों 1.79 ग्राम का है, मीन्स 1.8 kg का ये लैपटॉप है, ठीक है। तो ये काफ़ी बढ़िया बात। प्राइस के बारे में बात किया जाए तो दोस्तों ये लैपटॉप आपको अभी देखने को मिल जाएगा, जो इसका बेस वेरिएंट स्टार्ट होता है दोस्तों वो i5 से स्टार्ट होता है, i5 प्लस इंटेल एक्सी ग्राफिक्स, जो कि आपको 56,000 rupees से स्टार्ट होता है और इसका हायर वेरिएंट तक जाता है दोस्तों, जो कि है i7 विद एनवीडिया ग्राफिक्स कार्ड, जो कि MX450 है, ये जाता है दोस्तों 71,000 rupees तक, ठीक है। तो ओवरऑल प्राइस काफ़ी अच्छा है यहाँ पर, इसी प्राइस के साथ ये इंडिया में आएगा, ठीक है, क्योंकि आपको पता है RedmiBook का सीरीज़ इंडिया में ऑलरेडी चल रहा है, तो ये उसका सक्सेसर बन के ज़रूर आने वाला है, ठीक है। तो अगर आप लैपटॉप लेना चाहते हैं तो आप ज़रूर से वेट कर सकते हैं, बाकी नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया गया है, आप जाके ज़रूर से चेकआउट कर सकते हैं। मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ यहाँ पर शेयर कर दीजिए, ठीक है। और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।